जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है रिगार्डिंग देयर 27% की जो डिमांड्स हैं रिजर्वेशन की, उस चीज़ को लेकर। मैं मदन लाल चरोत्रा, स्टेट कोऑर्डिनेटर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी। आज का जो हमारा मुद्दा 27% का है, वो 27% 1992 में पूरे देश में लागू हुआ है। बदकिस्मती है कि यहाँ जम्मू कश्मीर आज तक लागू नहीं हुआ। पहले तो बहाना था कि 370 है, अभी 370 भी 2 साल हो गया इसको ख़त्म हुए। आज तक हमारे पास दो कानून चले हैं हमारे ऊपर, ओबीसी के लिए अलग और सेंटर के लिए अलग। हमें ये मतलब शर्मिंदगी से ये बात करनी पड़ती है। आज़ाद देश में हम गुलाम लोग हैं, 74 साल हो गया देश को आज़ाद हुए, आज तक हमें अधिकार नहीं मिले। तो हम ये मांग करते हुए, कांग्रेस ने भी हमारे साथ शोषण किया, एनसी ने हमारे साथ शोषण किया, और बीजेपी ने रही कैसी करती बीजेपी निकाल दी। तो हम चाहते हैं अगर पूरे देश में एक कानून है तो हमारे लिए दो कानून क्यों हैं? अगर हमारे किसी बच्चे ने फार्म भरना स्टेट में तो वहाँ ओएससी लगता है। हम कहते हैं ओएससी कोई कास्ट ही नहीं इस देश में, तो ओएससी में क्यों हमें डाला गया? हम ओबीसी हैं, कमीशन हमारा बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ओबीसी का बना है, और रवाजी बोर्ड हमारा ओबीसी का बना है। तो ये सोशल कास्ट कहाँ से आ गई? ये भी हमारी डिमांड है, हमें ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ताकि वो सेंट्रल स्टेट में एक ही चले। और तीसरा हमारा क्रीमिलियर है, क्रीमिलियर एससी और एसटी पर क्रीमिलियर नहीं, हमें अभी रिजर्वेशन मिली नहीं, क्रीमिलियर पहले लगा दिए। हम चाहते हैं इस क्रीमिलियर को वाश करके हमें एस पर एससी एसटी किया जाए। तो हम चाहते हैं जो बीजेपी है, इन्होंने नारा लगाया था मोदी साहब ने 2013 में कि मैं ओबीसी हूं, बेसिकली ओबीसी है नहीं, वो बनिया घास का है। उन्होंने कहा था कि मैं अब आऊँगा तो मैं ओबीसी का आदमी हूँ, मैं आपके सारे मसले हल करूँगा। 2013 में भी कहा और 14 में भी कहा, आज 8 साल हो गए, एक भी लफ्ज उसने ओबीसी के बारे में नहीं किया। वो तो ओबीसी का दुश्मन लगता है हमें, क्योंकि जितना नुकसान ओबीसी का मोदी ने किया है, इतना शायद किसी ने किया हो। तो हम चाहते हैं कि ये स्टेट हमारे एलजी साहब और ये हमारे बुखारी साहब, और हमें एक ही पार्टी है जो हमें हिस्सा दिला सकती है, वो है हमारी अपनी पार्टी, जिसके सदर हैं हमारे अल्ताफ बुखारी साहब। उनके साथ हमारे सीनियर वाइस सदर हैं गुलाम हसन मीर साहब, दलावर मीर साहब, जावर मीर हैं हमारे, आजाद खां हैं, यहाँ सरदार मनजीत सिंह जी है। मान यही है कि 27% तक रिजर्वेशन जो है वो दिया जाए। पिछले काफ़ी टाइम से लोग संघर्ष कर रहे थे अपने डिमांड्स को लेकर, और इनको उम्मीद थी कि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो उस वक्त इनके लिए कुछ ना कुछ होगा, उनके ओबीसी जो है ओबीसी वर्ग है उसके लिए कुछ ना कुछ होगा, इन्हें रिजर्वेशन का ही लोग डिमांड कर रहे थे। लेकिन अभी तक ये अपनी डिमांड्स के लिए जो है कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं है। और इनकी डिमांड्स की अगर बात करें तो डिमांड्स हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 27% ओबीसीज ऑफ जेकेयूटी एज़ पर मंडल कमीशन रिपोर्ट, यानी कि मंडल कमीशन रिपोर्ट के तहत 27% जो है रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में होना चाहिए ओबीसी कास्ट का। लेकिन इनकी डिमांड्स पूरी होती हुई नहीं दिखली, इसलिए आज मजबूर होकर ये लोग प्रदर्शन करने को यहाँ पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का बैनर के तले। और ये आप देख सकते हैं, हमारी मांग ओबीसी को 27% आरक्षण लागू करो, और 27% आरक्षण जो है उसे लागू करने के लिए बात कर रहे हैं। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 27% ओबीसी ऑफ जेकेयूटी एज पर मंडल कमीशन रिपोर्ट, ओएससी के बदले ओबीसी चाहिए। ये विजुअल्स, ये लोग इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर इनका धरना प्रदर्शन है, और ये धरना प्रदर्शन जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बैनर के तले चल रहा है। अल्ताफ बुखारी जी अपनी पार्टी से हैं, उन्होंने हमेशा से
और इतनी चिलचिलाती धूप में ये लोग यहाँ पर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं।